नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप का जो नेक्स्ट मैच होगा। जी हाँ, न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका के बीच जो नेक्स्ट मैच होने वाला है, इस मैच को लेके आगे इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, बरसात का कहर पूरी तरीके से ढाया हुआ है T20 वर्ल्ड कप के। जो मैचेस थे, अफगानिस्तान वाला, इंग्लैंड वाला, वो मैचेस एकदम खत्म ही हो गए, वो मैच नहीं हो सके। हो कि ये मैच हो, बिकॉज ये मैच सिडनी में होने वाला है, जहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा मौसम दिख रहा है। लेकिन अगर बरसात आती भी है तो आपकी टीम कैसी होनी चाहिए, उसके बिहाफ पे आपको बताऊंगा। और बरसात नहीं भी आती है तो भी आपकी टीम कैसी होनी चाहिए, बिकॉज वीडियो देखोगे तो बहुत सारी चीजें सीखोगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग सेफ जाने वाले हैं, बट अपन कुछ अलग करने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये देखिएगा। आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो है ना, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, बिकॉज टॉस के बाद की जितनी भी अपडेट्स है, फाइनल टीम है, कोई भी चेंजेस पॉसिबल, करंट में क्या मौसम होगा, बरसात आ सकती है, वो टॉस के बाद आपको सारी अपडेट इसी हमारे टेलीग्राम चैनल पे दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले वेन्यू को लेकर बात करते हैं। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ये मैच खेला जाएगा। वेदर देखो, बोल सकते हैं नो चांस, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा वेदर रहेगा जहां तक सिडनी में खेला गया है। पिच रिपोर्ट को लेकर बात करते हैं। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड आप ये बोल सकते हो कि बहुत बैट्समैन एंड बॉलर्स के लिए काफी बेनिफिशियल रहा है, दोनों को इक्वल सपोर्ट कर रहा है। रन्स यहाँ पे जिस टीम ने पहले बैटिंग की उसने बढ़िया परफॉर्मेंस किया, बाकी चेजिंग के दौरान कहीं ना कहीं दिक्कतें हुई है, बाकी स्पिनर्स भी यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। बाकी मैं आपको डिटेल में यहाँ दिखा देता हूँ। टोटल 13 मैचेस खेले जा चुके हैं, 13 मैचेस में से 8 बैटिंग फर्स्ट ने और 5 है वो चेज करने वाली टीम ने। जो टीम पहले बैटिंग कर रही है उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट है। 174 का एवरेज स्कोर है, और अगर 174 का एवरेज स्कोर होता है तो कहीं ना कहीं वो बैट्समैन को सपोर्ट करती है। यहां पे देखोगे 150 से नीचे का स्कोर 3 बार, 150 से 169 3 बार, 170 प्लस 189 2 बार, लेकिन 190 प्लस है जो कि 5 टाइम्स जा चुका है। ओवरऑल देखोगे यहां पे 13 मैचेस खेले गए हैं, 13 में से -3 कर दो जिनके 50 से नीचे का स्कोर रहा है, अदरवाइज हर मैच में 150 प्लस ही देखने को मिला है। तो दोस्तों, अगर 150 प्लस जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो बैट्समैन है, जो ऑलराउंडर्स है, उनको टारगेट कीजिए। बाकी न्यूजीलैंड की टीम शायद पहले बैटिंग करेगी तो आपको इतना बड़ा स्कोर जो 170 वाला है वो ना देखने को मिले, बाकी 150-160 पहुंच सकती है। अब रिसेंट के मैचेस आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये इंडिया और नीदरलैंड के बीच हुआ था, हाई स्कोरिंग था, लेकिन यहां पे भी चेजिंग के दौरान दिक्कत हुई, इनके ज्यादा विकेट चले गए। 7 विकेट पेसर्स को मिली थी और 4 विकेट स्पिनर्स को। यहां पे देखोगे साउथ अफ्रीका ने 205 कर दिए थे, बांग्लादेश की टीम 101 ही बना पाई, ये भी चेजिंग के दौरान दिक्कत हुई, इनके 10 विकेट्स गिर गए। पेसर्स को 7 मिली, स्पिनर्स को भी 7 विकेट मिली। यहां पे देखोगे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, जहां पे न्यूजीलैंड ने 200 कर दिए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने चेजिंग करते हुए अगेन 10 विकेट खो दिए। पेसर्स को 8 विकेट, स्पिनर्स को 5 विकेट। अब दोस्तों, इन तीनों चीजों को मैं समझना, मैं आपको इन तीनों मैचेस को मैं आपको डिटेल में क्लेरिफाई करता हूं। देखिए, तीनों मैचेस को देखिए, तीनों मैचेस में क्या चीजें देखने को मिली। जो टीम पहले बैटिंग कर रही है, हाई स्कोरिंग मैच हुआ है, ये 180 तक, ये 200 प्लस चला गया, ये 200 तक पहुंच गया, तो तीनों में हाई स्कोरिंग हुआ है। और विकेट देखोगे, यहां पे 2 विकेट, यहां पे 5 विकेट और यहां पे 3 विकेट, यानी कि जिस टीम ने पहले बैटिंग की 5 से ज्यादा विकेट नहीं गिरे, समझ रहे हो। दूसरी चीज, जो टीम चेजिंग कर रही है वो हार रही है, यहां पे हारी, यहां पे हारी, यहां पे हारी, और तीनों इसी T20 वर्ल्ड कप के मैच। विकेट्स देखिए, यहां पे 9 गवा दिए, यहां पे 10 गवा दिए और यहां पे भी 10 गवा दिए। तो जो टीम चेजिंग कर रही है वो अपने विकेट्स ज्यादा खो रही है और बड़े मार्जिन से मैच को हार भी रही है। ये चीजें आप लोग है वो ध्यान में रखना। हालांकि देखिए,
अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करेगी तो शायद आपको ये चीजें ज्यादा देखने को ना मिले, बाकी न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग करे तो ये चीजें आपको देखने को मिल सकती है। तो चीजों को अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है तो कहीं ना कहीं आप उनके जो बॉलर्स है उनको टारगेट कर सकते हैं ज्यादा, क्योंकि विकेट्स गिर रही है जो टीम चेज कर रही है। आई होप आपको यहां से क्लियरिफाई हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पे देखिएगा रिसेंट के इनके जो हेड टू हेड मैचेस है, यहां पे श्रीलंका ने 125 किए थे, 2019 का मैच था और यहां पे न्यूजीलैंड फ्लॉप हो गया था। श्रीलंका की तरफ से हस्सारंगा ने 14+1 विकेट था जो कि उस टाइम खेल रहे थे, मिचेल 6 रन थे जो कि नहीं है, सैंटनर ने 3 विकेट निकाली, साउथी को यहां पे विकेट नहीं मिला, लेकिन साउथी ने है वो बैटिंग बढ़िया की थी। ये मैच हुआ यहां पे न्यूजीलैंड ने जीत लिया था मैच, कुशाल मेंडिस ने 26 कर दिए थे, शन्ना का फ्लॉप थे, हसारंगा को यहां पे भी 1 विकेट मिला और थुसारा को 1 विकेट मिला, डैरी मिचेल फ्लॉप थे, सेंटनर यहां फ्लॉप थे, टीम साउथी 2 विकेट, इशोरी को 1 विकेट। ये मैच हुआ, ये मैच भी न्यूजीलैंड ने जीत लिया, श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 174 कर दिए थे। यहां पे देखना कुशाल मेंडिस ने बढ़िया इनिंग्स खेली यहां पे, यहां पे आप देखोगे तो यहां पे हसारंगा को है वो 2 विकेट मिल गए, उसके अलावा रजिता 0 विकेट, यहां पे गुप्टिल फ्लॉप थे, डैरी मिचेल 25 नाबाद थे, सैंटनर को 1 विकेट, साउथी को 2 विकेट, इशोरी फ्लॉप थे। तीनों मैचेस को देखोगे तो कहीं ना कहीं एक चीज तो है कि श्रीलंका बढ़िया कंपीट करेगा। अभी तक श्रीलंका ने बढ़िया खेला है, लेकिन इन तीनों मैचेस को देखते हुए सेम चीज की श्रीलंका बढ़िया कंपीट कर सकता है, इतनी एबिलिटी उनके पास है। बाकी इनमें से जो आपको प्लेयर दिख रहे हैं उनमें से एक तो मुझे शन्ना का बैटर दिख रहा है, अगर श्रीलंका पहले बैटिंग कर रही है, सैंटनर है, टीम साउथी है, ये प्लेयर्स मुझे ज्यादा बैटर दिख रहे हैं। बट एक चीज का ध्यान में रखना, मैं इस स्टोरी को लेकर कुछ बताऊंगा आगे, आप लोग बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, तकलीफ है थोड़ी सी, मैं बीमार हूं, मेरे गले में तकलीफ है, फिर भी इसलिए मैं जो लास्ट मैचेस थे उनके वीडियो नहीं बना पाया, बट फिर सोचा कि यार हर मैच को कैसे मिस करते हैं, तो बस आपके सपोर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है यार, लाइक कीजिए, जिसने भी वीडियो लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिकॉज बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग लाइक करते हो। उसके अलावा देखिएगा न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11, फिनलैंड डेवन कॉनवे, कैन विलियमसन, फिलिप्स है, निशम है, मार्क चैपमैन है, मिचेल सैंटनर है, टीम साउथी है, ट्रेंट बोल्ट है, इस शोडी है, लॉकी फर्गुसन है। लॉकी फर्गुसन और जो ट्रेंट बोल्ट है वो डेथ में आते हैं, लेकिन यहां पे भी जो टीम साउथी है वो 17वां या फिर 18वां एक ओवर आपको डालते हुए दिख सकते हैं। यहां पे फुल स्टैट्स क्लियर कर देता हूं आपको, फिनलैंड 42 रन है इस वेन्यू पे, लास्ट मैच में मारे थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, रिसेंट फॉर्म देखोगे 62 है, 32 है, 12 है, 6 है, 42, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की कमी है, अटैकिंग खेलना पसंद करते हैं। डेवन कॉनवे है, एक मैच में 92 रन किए थे लास्ट मैच में, रिसेंट फॉर्म देखोगे भाई लाजवाब है इनका, जी हाँ रिसेंट फॉर्म काफी लाजवाब है, मैक्सिमम लोग इनको कैप्टनसी देके जाएंगे, सेफ कैप्टन आपके लिए यही रहेंगे। बाकी केन विलियमसन 15.5 का एवरेज है इस वेन्यू पे श्रीलंका के अगेंस्ट, 43 का, रिसेंट फॉर्म देखोगे बढ़िया कर रहे हैं कैन विलियमसन। और अगर जो पहले बैटिंग करती है न्यूजीलैंड की टीम तो आप इनको कैप्टनसी दे सकते हो, डिफरेंशियल में जाना चाहो। दोस्तों ग्लेन फिलिप्स की बात करते हैं, 12 का एवरेज है, लास्ट मैच में 12 किए थे, रिसेंट फॉर्म देखोगे 23, 60, 29, 20, 12। तो ये जो ग्लेन फिलिप है ना, ये फर्स्ट बैटिंग में मुझे लगता है कि आपके लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। जो ग्लेन फिलिप है वो फर्स्ट इनिंग में जब न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग करेगी तो उस कंडीशन में ग्लेन फिलिप है वो आपके लिए गेम चेंजर बन सकते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट बैटिंग में आप जीएल में इनको कैप्टनसी दे सकते हो। जिमी निशम है, एक मैच में 26 रन, एक मैच में 3 विकेट है श्रीलंका के अगेंस्ट, बाकी रिसेंट फॉर्म देखोगे उतना कुछ खास नहीं है, लास्ट मैच में 26 जरूर निकले, गेंदबाजी ज्यादा करते नहीं है तो उतनी प्रायोरिटी फिर रह नहीं जाती है, ये चीज भी ध्यान में रखना, स्मॉल लीग के लिए थोड़ा सा रिस्की रहेंगे। मार्क चैपमैन है, दोस्तों एक चीज आपको बताऊंगा, अगर न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग कर रही है तो आप ऊपर से फिन अलेन को या फिर कैन विलियमसन को ड्रॉप करके मार्क चैपमैन को जीएल में जरूर ट्राई कीजिएगा, एक आधा टीम में देखिएगा, 83, 32, 25 तो इनिंग्स निकली है। और अगर पहले बैटिंग करती है न्यूजीलैंड की टीम तो आप लोग ऊपर से बैट्समैन को ड्रॉप करके, मैं जीएल की बात कर रहा हूं, स्मॉल लीग की बात नहीं कर रहा, जीएल में ये चीज आप कर सकते हो। बाकी मिचेल सैंटनर 2 मैच में 3 विकेट है इस वेन्यू पे, श्रीलंका के अगेंस्ट 5 मैच में 7 विकेट है, वो 26 का एवरेज भी है, रिसेंट में देखोगे यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे विकेट लेस थे लेकिन यहां पे 3, यहां पे 3, तो बढ़िया
गेंदबाजी की है, हालांकि श्रीलंका के पास लेफ्ट इंडीज है, बाकी इन्होंने गेंदबाजी रिसेंट में अच्छी की है। टिम शाउथी 3 मैच में 5 विकेट, 8 मैच में 6 विकेट श्रीलंका के अगेंस्ट रिसेंट में। देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 लास्ट 6 मैचेस में एक भी मैच ऐसा नहीं जहां पे टिम शाउथी ने विकेट ना निकाला हो। अब इस जोड़ी की बात करते हैं, 2 मैच में 1 विकेट श्रीलंका के अगेंस्ट, 4 मैच में 5 विकेट और रिसेंट देखोगे तो उतना लाजवाब इस जोड़ी के लिए रहा नहीं है। लेकिन दोस्तों एक चीज आपको बोलूंगा कि इस जोड़ी है वो आपके लिए जीएल पिक बन सकती है, बढ़िया जीएल पिक बन सकती है। क्यों बन सकती है? बिकॉज श्रीलंकन टीम है वो स्पिनर्स को काफी बढ़िया खेलती है और कहीं ना कहीं अगर ट्रेंट बोल्ट आएंगे तो वो उनके ओवर्स को थोड़ा सा डिफेंसिव खेलते हुए स्पिन को टारगेट कर सकते हैं। दैट्स वाइज सेंटनर प्लस इस जोड़ी बेटर ऑप्शन आपके पास होते हैं और इस विकेट पे स्पिनर्स विकेट निकाल सकते हैं। बाकी ट्रेंट बोल्ट इंपॉर्टेंट है, 2 मैच में 4 विकेट, 3 मैच में 6 है श्रीलंका के अगेंस्ट, रिसेंट में लास्ट 2 विकेट है, बाकी 2 मैच बीच में विकेटलेस भी गए थे, डेथ में गेंदबाजी भी करते हैं। और अगर न्यूजीलैंड की टीम पहले बॉलिंग कर रही है आप इनको सीवीसी भी कर सकते हो। लॉकी फर्ग्यूसन की बात करते हैं, 1 मैच में 1 विकेट है, 1 मैच में 3 विकेट है अगेंस्ट श्रीलंका, रिसेंट में उतनी लाजवाब गेंदबाजी इनसे हुई नहीं है। बाकी देखोगे 1, 2, 3 और 4 और ये 5, ये 5 गेंदबाज मुझे लगता है कि मुझे लेने चाहिए, बट शायद मुझे ऊपर के 3 बैट्समैन अगर पहले बैटिंग करती है तो 4 अदरवाइज 3 बैट्समैन लेने पड़ेंगे। दैट्स वाई शायद मैं इन सभी को ना ले पाऊं। बाकी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है, लोकी फर्ग्यूसन, ट्रेंट बोल्ट और जो टीम शाउथी है वो इंपॉर्टेंट आपके लिए सेफ रहेंगे, बाकी मिचेल सेंटर ऐड कर सकते हो। बाकी इस जोड़ी को याद रखना जैसा कि मैंने आपको बोला है। बाकी बेंच से मुझे लगता नहीं है कि कोई बेंच से आएगा, फिर भी देख लो, एडम मिलने हैं, डैरी मिचेल है, मार्टिन गप्टिल है, मिचेल ब्रैकवेल, ये ब्रैकवेल काफी बढ़िया, ब्रैसवेल, ब्रैकवेल कोई भी हो अगर श्रीलंका के अगेंस्ट खेलता है तो फिर तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी श्रीलंका की प्लेइंग 11 कुशल मेंडिस, प्रथम निशंका, श्रीलंका डिशिल्वा, राजपक्सा, दशुन सन्नाका, हसारंगा, करुणा रत्ने, थिक्षणा, कुशल रजेता और करुणा रत्ने डेथ में गेंदबाजी करते हैं, उसके अलावा फिर लहिरू कुमारा करते हैं और रजेता भी एक आधा वो डाल सकते हैं। तो ये तीनों आपको मुझे लगता है डेथ में दिखेंगे, बाकी जो लहिरू कुमारा इनके पास पेस काफी बढ़िया रहती है। यहाँ पे फुल स्टैट्स की बात करते हैं, देखिएगा कुशल मेंडिस की बात करते हैं, वेन्यू पे नहीं खेले हैं, 40 का एवरेज है जब ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलते हैं, यानी कि न्यूजीलैंड की टीम को खेलना पसंद करते हैं। रिसेंट फॉर्म देखोगे लगातार 2 हाफ सेंचुरी निकल चुकी है, बाकी लास्ट मैच में फ्लॉप हुए थे, यहां पे भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम इनको रहेगी। बाकी प्रथम निशंका है 54.5 का इस वेन्यू पे एवरेज है, 28 का यहां पे देखोगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एवरेज है, रिसेंट फॉर्म इनका भी लाजवाब है, 1.74 ये भी निकला था लास्ट मैच में, 40 भी निकला था। बाकी एक चीज बोलूंगा कि इन दोनों को देखिए, मैक्सिमम लोग इन दोनों को एक साथ लेके जाएंगे, बट कहीं ना कहीं इनमें से एक या फिर दोनों आपके लिए फ्लो बन सकते हैं। अगर आप लोग चाहो तो इनमें से एक को ड्रॉप कर सकते हैं, कुशल मेंडिस को अगर आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो। जी हाँ, कुशल मेंडिस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ सकते हैं। बाकी धनंजय डिसिल्वा का देखोगे 10 रन बनाए हैं 1 मैच में, रिसेंट 26+1, 31+1, तो लास्ट के दोनों मैचेस डिसिल्वा के लिए काफी बढ़िया रहे हैं और ये गेंदबाजी कर रहे हैं लास्ट के 2-3 मैचेस से, तो ये एक बेटर ऑप्शन है धनंजय डिसिल्वा। चरित असलंका 2 मैच में 8 का एवरेज, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट नहीं खेले, लास्ट के दो मैचेस में अच्छे दिखे हैं, उससे पहले आउट ऑफ फॉर्म दिखे थे। बाकी ये जो मैच है ना, ये चरित असलंका के लिए है, वो कहीं ना कहीं आप उनकी बॉलिंग को देखोगे तो थोड़ा सा बेटर नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के जो ओवर्स है वो कहीं ना कहीं प्रथम निशंका, कुशल मेंडिस खेल जाएंगे, जो स्पिन गेंदबाजी है लाइक इशोरी को ले लीजिए, लाइक आप सैटनर को ले लीजिए, तो थोड़ा सा इनके लिए लेफ्ट हैंडी है तो इजी हो जाएगा गेंद को पिक करना, बाकी अटैक करते वक्त आउट भी हो सकते हैं, बाकी खेलना इजी रहेगा अगर वो अमोंग द ग्राउंड खेलते हैं। राजपक्सा की बात करते हैं बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, अटैक करना पसंद करते हैं, बाकी रिसेंट फॉर्म इनकी कुछ बेटर रही नहीं है, एक ये मैच था जहां पे 71 नाबाद जरूर है लेकिन उसके बाद इनसे परफॉर्मेंस निकली नहीं है। बाकी फर्स्ट बैटिंग के दौरान किसी को भी ड्रॉप करके राजपक्सा को आप फेवर कर सकते हो, राजपक्सा डिफरेंशियल में आ सकते हैं। दशुन सन्नाका
दोस्तों दसूल सन्नाका का 20.5 का एवरेज है, 10 का एवरेज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। रिसेंट फॉर्म देखोगे बकवास सा रहा है। बाकी मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ऊपर के बैट्समैन को जब आप लोग ग्रैंडली खेलते हो, दसूल सन्नाका में भी इंपोर्टेंट, क्योंकि आप कहीं पे भी ऊपर के बैट्समैन लाइक आप क्या कर सकते हो कि बीच का एक बैट्समैन लेके फिर आप दसूल सन्नाका के पास आ सकते हो, और जीएल में इनको आप जरूर ट्राई कीजिए, बढ़िया बैट्समैन है। उसके अलावा वनिंदु हसरंगा 2 मैच में 5 विकेट है इस वेन्यू पे, 3 मैच में 4 विकेट है। अगस्त न्यूजीलैंड रिसेंट में देखोगे लाजवाब गेंदबाजी की है, केवल लास्ट मैच में वनिंदु हसरंगा फ्लोप हुए थे। शायद मैं इनको कैप्टन वाइस कैप्टनसी ना दूं, बट स्मॉल लीग की टीम में होंगे, ग्रैंड लीग में आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान में रखना कि न्यूजीलैंड की टीम को स्पिन गेंदबाजी से प्रॉब्लम रहती है। समीका करुणारत्ने 2 मैच में 2 विकेट, 8 मैच में 3 विकेट है न्यूजीलैंड के अगस्त। बाकी रिसेंट में देखोगे 14+1, 1 विकेट, 2+0, 8+0, 5+1। दोस्तों गेंदबाजी करते हैं, 3-4 ओवर आपको डालते हुए दिख सकते हैं। तो अगर ये 3-4 ओवर डाल रहे हैं और श्रीलंका की टीम अगर पहले बैटिंग कर रही है, तो चमिका करुणारत्ने आप एसएल जो स्मॉल लीग की टीम रहती है उसमें भी इसको ले सकते हो, चमिका करुणारत्ने को। महेश तीक्ष्णा 2 मैच में 1 विकेट है, रिसेंट फॉर्म देखोगे लाजवाब है, हर मैच विकेट टेकर गेंदबाज रहते हैं और ये डेथ में भी गेंदबाजी कर लेते हैं। उसके अलावा कुसुम रजिता है 2 मैच में 3 विकेट है, डिफरेंशियल में रहेंगे अगर आप लोग लेना चाहो। बाकी लहिरू कुमारा एक ऑप्शन है आपके पास, 1 मैच में 0 विकेट, रिसेंट में देखोगे विकेट्स निकालिए। बट अगर जो श्रीलंकन टीम है वो पहले बैटिंग करे और बाद में बॉलिंग करे, तो आप लहिरू कुमारा को है वो ड्रॉप कर सकते हो, या उस टाइम आप ड्रॉप कर सकते हो। बाकी असेन भंडारा, प्रमोद मधुसन, जॉफरी वंडेसरी, ये आपको बेंच पे दिख जाएंगे, इनमें से कोई खेले ध्यान में रखना। बाकी यहां से देखोगे दोस्तों ये हमारी टीम रहेगी, जी हाँ ये हमारी टीम रहेगी, कुछ इस तरीके से मैंने बनाई है। अब समझने की कोशिश करना, मैं थोड़ा सा आपको प्रथम निशंका वगैरह के बारे में समझाता हूं, तब तक आप लोग है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, सारे लोग वीडियो को लाइक कर दो, मैं आप तो आपको तब तक समझाता हूं कि कैसे करना है। देखिए आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें ना तो कुशल मेंडिस दिख रहा है और ना इसमें निशंका दिख रहा है, और इसका एक कारण है स्टार्टिंग की ऑड्स में थोड़ा सा ट्रेंट बोल्ट वो प्रॉब्लम करेंगे, इसलिए मैंने दोनों को नहीं लिया और यहां से मैंने इन दोनों को उठा लिया। अब अगर आप लोग चाहो तो इनमें से किसी एक को ड्रॉप करके आप पथुम निशंका या फिर कुशल मेंडिस को ले सकते हो, पथुम निशंका में भी बेटर ऑप्शन, ये ध्यान में रखना। हसरंगा है, करुणारत्ने है, अब करुणारत्ने की जगह आप सन्नाका लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन करुणारत्ने गेंदबाजी करते हैं और बैटिंग भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिल जाती है। बाकी ट्रेंट बोल्ट, टीम शाउती, लोकी फर्गुसन, यहां पे आपके पास एक ऑप्शन है कि आप है वो किसको ऐड कर सकते हो, थिक्सना को। लेकिन अगर न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग कर रही है तो स्मॉल लीग में आप ग्लेन फिलिप्स को लीजिए। बाकी मार्क चैपमैन का मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि मार्क चैपमैन को आपको कहां पे लेना है। दोस्तों इस टाइप से कुछ आपके सामने है कैसे टीम बनानी है, बाकी ये इनिशियल टीम है, इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।